psoriasis used to be a disease which had no good remedy at all. But nowadays we have got very good medicines and there is a hope for psoriasis patient. There is a good news for the patient of psoriasis that psoriasis is a systemic disease but it's treatable. So don't get depressed, get treatment and you can be as normal as to any normal person in the world. अशरफ और आज हम नोवार्टिस के साथ सोराइसिस पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो सर कि व्हाट डू यू पर्सनली थिंक अबाउट सोराइसिस? देखिए सोराइसिस वो जिल्द की बीमारी है जिसकी वजह से मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ बीमारी की वजह से बुरी तरह मुतासर होती है। इसमें ना सिर्फ इंसान की जिल्द जो है बुरी तरह मुतासर होती है बल्कि जिस्म के मुख्तलिफ आज़ाद मिसाल के तौर पर जोड़ और ख़ास तौर पर टांगों के जोड़ और कमर के जोड़ जो है बुरी तरह मुतासर हो सकते हैं। एक मिथ है डॉक्टर साहब कि सोराइसिस अगर आपको हो तो आपकी मेंटल हेल्थ को कोई अफेक्ट नहीं होता, इसके बारे में क्या कहेंगे? सोराइसिस में 70% लोग हमेशा या नफसियाती बीमारियों के शिकार होंगे जिनमें मामूली एंग्जाइटी से लेकर माइल्ड डिप्रेशन तक हो सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सोराइसिस के मरीजों को सोराइसिस के साथ साथ हमें उनकी एंग्जाइटी की अद्वियात भी ज़रूर देनी चाहिए। बहुत बड़ी एक जो एक मिथ है सोराइसिस के हवाले से वो ये है कि वो कंटेजियस है, वो इंसान से इंसान को लग जाता है और उस वजह से हम पेशेंट्स को बहुत अवॉइड करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है डॉक्टर साहब हमें बताएंगी? सोराइसिस कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो एक इंसान से दूसरे इंसान को हाथ लगाने से, उसके साथ खाना खाने से, उसके साथ एक कमरे में सोने से या फॉर दैट मैटर इवन उसके कपड़े पहनने या उसका कंघा ब्रश शेयर करने से भी ट्रांसफ़र नहीं होता। Psoriasis and joints in your fingers and your toes. उसके अलावा नहीं हो सकता। ये काफ़ी बड़ा मिथ है, लोगों को तो ये भी पता नहीं कि psoriasis joints को भी अफेक्ट करता है। अगर आपको psoriasis है और आपके joints swell हो रहे हैं या उनमें pain होता है especially सुबह के time या कोई भी joint आपको दर्द दे रहा है, ज़रूर consult कीजिएगा।